जब पाकिस्तान में दहाड़े थे धर्मेंद्र, तुम अगर एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। अभिनेता धर्मेंद्र सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी अपना गुस्सा दिखा चुके हैं। अब ऐसे में सोचिए कि कैसा वो माहौल कैसा रहा होगा जब पाकिस्तानियों के सामने धर्मेंद्र चिल्ला रहे होंगे, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, या फिर तुम अगर एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। चौंक गए न। दरअसल हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की सिनेमा की सबसे दमदार फिल्म शोले की, जो कि भारत में अपनी रिलीज के 40 साल के बाद साल 2015 में पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। लेकिन अब गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद अब पूरा देश धर्मेंद्र की कहीं इस लाइन को सार्थक होते देखने चाहता है। धर्मेंद्र और अमिताभ के अलावा गबर के किरदार में अमजद खान ने भी पाकिस्तान में अपना टेरर कायम कर दिया और 40 साल बाद वहां भी ये डायलॉग फेमस हुआ कि सो जा बेटा वरना गबर आ जाएगा। भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्म शोले ने भारत में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। मुंबई के मिनर्वा टॉकीज में फिल्म ने लगातार 5 साल चलकर कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। ऐसे में जब पाकिस्तान में फिल्म रिलीज की खबर सामने आई तो वहां मौजूद धर्मेंद्र और अमिताभ के फैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि इस फिल्म को रिलीज होने में काफी टाइम भी लग गया, लेकिन साल 1975 में रिलीज हुई ये फिल्म अपने 40 साल पूरे करने के बाद पाकिस्तान में भी धूम मचाने पहुंच गई थी। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर ये फिल्म पाकिस्तान में 17 अप्रैल 2015 को शुक्रवार के दिन रिलीज की गई थी। पूरी तामझाम के साथ कराची के एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म को रिलीज किया गया। इस दौरान कई बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थी। फिल्म को जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट ने रिलीज किया था, जिसके बाद फिल्म समीक्षक उमेर अलवी का कहना था कि पाकिस्तान में शोले के प्रशंसकों की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रशंसकों में वे पीढ़ी भी शामिल है जो उस दौर में वीसीआर पर हिंदी सिनेमा देख देख कर बड़ी हुई है, जब पाकिस्तान में भारतीय सिनेमा का प्रसारण गैरकानूनी हुआ करता था।